मैं राही मासूम रजा हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है मेरा गांव गंगौली, जहां सैयद बशीर हुसैन आबिदी और नफीसा बेगम के घर में मेरा जन्म हुआ। माँ का इंतकाल हुआ उस समय मैं बहुत छोटा था, लिहाजा मेरा लालन पालन मेरी दादी ने किया। हमें अक्षर ज्ञान कराने और घर पर ही परंपरागत शिक्षा दिलाने के लिए मौलवी मुरव्वर रखे गए, जिनकी देखरेख में मैंने उर्दू सीखी। उसी वक्त से मुझे किताबें पढ़ने का चस्का लग गया था। मुझे किस्से कहानियां सुनाकर मेरा दिल बहलाने के लिए कल्लू काका रखे गए। आज मुझे महसूस होता है कि कल्लू काका न होते तो मेरे अंदर कहानी की सही पकड़ कभी ना आती। देखिए, बचपन की यादें बड़ी खूबसूरत हैं उनके साथ, इसलिए कि वैसे जो मुलाकात होती थी वो मुहर्रम के ज़माने में होती थी। तो अब दस्तूर है और अभी भी था और अभी भी है कि चाहे कहीं भी कोई आदमी हो या कोई फैमिली हो, मुहर्रम के ज़माने में अपने गांव ही में जा कर के करते थे। तो वही हमारे यहाँ भी दस्तूर था और वहाँ पे गंगौली एक काफ़ी बड़ी आबादी का गांव है, लेकिन सैयदवाड़ा जिसे आप कहिए वो दो हिस्सों में था, एक उत्तर पट्टी कहलाती थी और एक दक्षिण पट्टी कहलाती थी, और दोनों में अच्छी खासी जो है वो रिश्तेदारियाँ भी थीं और एक तरह से रकावतें भी थीं। उसके अलावा मैंने देखा कि ये बहुत बचपन की धुंधली यादें हैं कि वो मुहर्रम में बहुत ही जोश खरोश के साथ हिस्सा लेते थे, आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो नौहा पढ़ते थे, उनमें उनका शुमार था। तो क्या बचपन के हमारे एक तरह से हीरो जिसे होते हैं वो कैफियत उनकी थी। श्रेष्ठता और उच्चता का भाव मेरे अंदर बचपन से ही नहीं था, मुझे अहीरों व जुलाहों के बच्चों के साथ खेलने में मजा आता था। घर वालों को ये बात बेहद नागवार गुजरती थी, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था। ग्यारह साल की उम्र में टीवी, पांच साल तक भवाली में इलाज, और इस दौरान मैंने किताबें बहुत पढ़ी। मासूम भाई की तालीम जो थी वो बीमारी की वजह से बहुत मुकम्मल नहीं हो सकी। मैं बचपन से पूरा धार्मिक था, लेकिन गंगौली व गाजीपुर में भूखे नंगे लोगों को देखकर और किसानों की बदहाली देखकर मेरे मन में सवाल उठने लगे थे। मैं बेचैन रहने लगा था। कुरान शरीफ पढ़ाने वाले मौलाना वली मोहम्मद से पूछता, अल्लाह मियां तो सबका पेट भरने वाले हैं, फिर इनके साथ ये भेदभाव क्यों? दसवीं क्लास प्रथम श्रेणी से पास की, लेकिन तभी फिर टीवी की गिरफ्त में आ गया। इस बार इलाज के लिए कश्मीर भेजा गया। महाभारत का उर्दू अनुवाद मैंने इसी दौरान पढ़ा। मेरे चाचा शायरी करते थे, उनकी सोहबत में मैं भी शायरी करने लगा। उस जमाने में उनके कुछ गजलें जो थी मशायरों में बहुत ही मकबूल थी। 18 साल की उम्र में फैजाबाद की मेहरबानों से शादी हो गई। तीन साल बाद तलाक। गाजीपुर नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए अपने पिता की प्रतिद्वंदी व भूमिहीन मजदूर पवर राम के लिए चुनाव प्रचार। इलाहाबाद का जीवन, उर्दू के मशहूर पब्लिशर अब्बास हुसैनी से मुलाकात। शायरी के अलावा ये हम लोग नहीं मालूम था कि वो प्रोज या नसर भी लिखते हैं। वहाँ पे हुसैनी साहब थे जो एक माहनामा निकालते थे, मंथली निखत, और फिर उन्होंने कुछ किताबी सिलसिला शुरू किया। जासूसी दुनिया जो था वो तो इब्ने सफ़ी के नाम से एक दूसरे साहब लिखते थे, लेकिन एक रोमानी दुनिया भी उन्होंने हर महीने शुरू किया। तो अब ये किसी को नहीं मानता कौन लिखता है,
इसलिए कि राय साहब उसको फर्जी नाम से लिखते थे। मैं अलीगढ़ में उस ज़माने में पढ़ता था और राही मासूम रज़ा शुरू में वो शायर की हैसियत से आते थे, शायर की हैसियत से मुशायरों में आते थे। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा एक कशिश थी, एक औरा था, तो वो बहुत मकबूल होते थे वहाँ। एक तो अलीगढ़ की ज़िंदगी में वो बिल्कुल फिट इस तरह हो जाते थे कि वहाँ की फ़िक्रबाजी, वहाँ की तफरीहें लोगों की, वहाँ के लोगों से बैठना और बैठ के गप करना, हर मौजू पे बात करना, वर्सेटाइल आदमी थे। पॉलिटिक्स में वो रहे थे और बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे थे। फिर साथ ही साथ अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन थी, तो उसमें शायर की हैसियत से वो थे और मुशायरों में जाते थे, मकबूल थे, रिसालों में छपते थे। तो इस तरह हम जब अलीगढ़ गए हैं तो मैं तो उनसे उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन मैं उनको शायर की हैसियत से जानता था, एडमायर करता था, और जब वो आते थे तो उनसे मुलाकातें भी होती थी। 1957 के शुरू में अलीगढ़ आगमन हुआ। बड़े भाई मोनिस रज़ा के पास रहकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए। मैं उस ज़माने में इत्तेफाक से पॉलिटिकल साइंस वगैरह में एमए करने के बाद फिर उर्दू में एक बार आ गया, तो मैंने भी उर्दू में एमए का करने का इरादा किया। फिर 1963 में तिलस्मे हुशरूबा में भारतीय संस्कृति व सभ्यता का अध्ययन पर डॉक्टरेट के बाद वहीं स्थायी उर्दू प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति। राही ने तिलस्मे हुशरूबा पर डिसर्टेशन लिखा था और वो बहुत आला दर्जे का था। उसमें पहली बार उन्होंने दास्तान और दास्तान के अंदर, जो दास्तान कहने को तो ख्याली किस्सा होता है, लेकिन उस ख्याली किस्से में जो समाज और आवाम की ज़िंदगी और लखनऊ दिल्ली वगैरह का जो ख़ास कल्चर था वो जिस तरह से रिफ्लेक्ट होता था, और उसके कैरेक्टर जिस तरह से बड़े बोलते हुए, बड़े जियाले, बहुत लाइवली होते थे, राही ने वो लिखा। उससे पहले तिलिस्मे हुशरूबा पर लोगों ने लिखा ही नहीं था। ये 1963-64 का अलीगढ़ है। उस दौरान मैंने ये देखा कि आर्ट्स फैकल्टी के सामने एक शख्स जो है रिक्शे से उतरता है तकरीबन 11 बजे, रॉ सिल्क की शेरवानी जिसके बटन आमतौर से खुले हुए होते हैं, बिखरे हुए बाल जो सूखे रहते हैं, और बेफिक्री चेहरे के ऊपर, और वो एक ख़ास अंदाज से चलता हुआ, जिसको आप ये कह सकते हैं कि उनकी चलने का जो अंदाज़ था उसमें भी एक लुभावनापन था, तो वो उस अंदाज से फैकल्टी के अंदर आता है। चार साल अध्यापन के साथ साथ शायरी भी चलती रही। लोग मेरी शायरी और मेरे तरन्नुम के दीवाने थे। तो राही साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो मिलते ही इंसान को अपना गिरविदा बना लेते थे। राही ने मजाज के इंतकाल पर एक नज़्म लिखी थी, वो नज़्म राही ने पढ़ी। उस वक्त वो तालिब इल्म नहीं थे अलीगढ़ में, बल्कि बाहर से आए थे, मुशायरे में जैसे आते थे। वो बहुत मकबूल हुई और उसके बाद राही मकबूल तो थे ही, और भी मकबूल होते चले गए। फिर वहाँ की ज़िंदगी में वो ऐसे रज बस गए कि वहाँ की सारी सरगर्मियों में, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने लगे, और इन उन सब चीज़ों में मैं उनके साथ रहता था। मुझे पसंद भी वो बहुत थे, इसलिए कि आदमी बहुत अच्छे थे, दोस्त थे। उनकी शायरी, उनका अंदाज़ बयान, उनकी गुफ्तगु और शख्सियत बहुत मोहनी थी के बारे में, कि उनका सबसे बड़ा हथियार था उनका अंदाज़ शायरी में तरन्नुम, जिसको वो जब पढ़ते थे तो लोगों के बदन गुनगुनाने लगते थे। और ख़ास तौर से चूंकि वो हम लोगों के साथ बहुत मेहरबान थे और बहुत अच्छी तरह मिलते थे, बहुत दिलचस्प गुफ्तगु करते थे, जो किसी भी इंसान का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नेचुरली मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के ज़माने में मैंने देखा है जब वो कभी अपनी बहुत खूबसूरत गज़लें इंतहाई दिलकश आवाज़ में तरन्नुम के साथ और कुछ बहुत ही रोमानी अंदाज के साथ बयान करते थे, तो आम लड़कियों पे तो बड़ा जादू होता था।
कुंवरपाल सिंह से दोस्ती, आधा गांव का उर्दू में लेखन। कुंवरपाल जब अलीगढ़ आए थे तो पहले दिन और पहली ही बार में सबसे पहले राही से ही वो टकराए थे, और इसको उन्होंने, कुंवरपाल ने अपने संस्मरणों में भी बहुत लिखा है। उसके बाद भी फिर वो दोस्ती चलती ही रही, और फिर एक समय ऐसा आया कि कुंवरपाल और राही लंबे समय तक एक साथ ही रहे। एक नावल लिखा उन्होंने, और उसको लिखने के बाद जब इन्होंने निखत वालों को भेजा तो उन्होंने कहा कि शायद ये हमारे मतलब का नहीं है और ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसमें जो मसाइल उठाए हैं आपने वो शायद हमारे रीडर को बहुत अपील या उस तरह से नहीं करेंगे जो हमारा रीडर है। ये नावल था आधा गांव, और ये उर्दू में था, और चूंकि केपी सिंह और राही साहब साथ साथ रहते थे तो इन्होंने एक दिन केपी सिंह से कहा कि यार ये मैंने एक नावल लिखा है और इसको जो है निखत वाले कह रहे हैं कि ये काफ़ी सीरियस काम हो गया और इसको शायद वो ना छाप पाएँ, तो तुम इसके कुछ हिस्से सुनो। तो राही साहब ने उनको कुछ हिस्से सुनाए, तो वो हिस्से सुनने के बाद केपी सिंह ने उनसे कहा कि ज़रूर इन 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 इनको हिंदी में होना चाहिए, इसको हिंदी में करो। सिर्फ एक मुझको बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि मैं पहली मर्तबा उर्दू लिपि से देवनागरी लिपि की तरफ आ रहा था, बहुत गंभीरता के साथ सोचकर। तो वो एक डर भी था, एक एक्साइटमेंट भी था कि मेरे लिए भाई देवनागरी की जो दुनिया थी वो बिल्कुल एक नई दुनिया थी और बिल्कुल अजनबी लोग थे, और मुझे पता नहीं था कि जब मैं जा कहूँगा कि भाई मेरा नाम मासूम रजा है तो वो लोग मुझसे बैठने को कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ये जब हिंदी में तैयार हो गया तो उस ज़माने में अलीगढ़ कमलेश्वर आया करते थे, और कमलेश्वर ने और राजेंद्र यादव वगैरह ने मिल करके ये अक्षर प्रकाशन शुरू किया था। तो ये तय किया गया कि कमलेश्वर को ये सुनाया जाए उपन्यास। तो राही ने कुछ हिस्से कमलेश्वर को सुनाए और कमलेश्वर फौरन इस बात के लिए तैयार हो गए कि इसको हिंदी में छापा जाए। आखिर केपी ने मेरे साथ बैठकर इसे हिंदी में उतारा, इसका संपादन किया और अक्षर प्रकाशन से प्रकाशित कराया। आधा गांव राही ने कुंवरपाल को ही समर्पित किया है, और उसके समर्पण में उन्होंने लिखा कि मैं ये आधा गांव अपने पूरे दोस्त कुंवरपाल को समर्पित करता हूं, कि अगर उनका साथ न होता तो शायद ये उपन्यास न लिखा जाता। बंटवारे पर एक ज़माने में ज़्यादातर पंजाब के लोगों ने लिखा था, और इस इलाके में बंटवारे का वो असर नहीं पड़ा था। ये यूपी से लिखा हुआ और वो गाजीपुर ज़िले से लिखा हुआ पहला नावल है जो बंटवारे पर, बंटवारे का असर जो हुआ था गाजीपुर में। वो कहानी शुरू होती है आधा गांव की कायदे से 14 अगस्त की रात से। 15 अगस्त को तो आज़ादी डिक्लेयर हुई, लेकिन 14 अगस्त की रात से वो कहानी शुरू होती है। और उस कहानी में यही तो दिखाया गया है कि तमाम चीज़ों के बावजूद बंटवारा हुआ, लेकिन वो इलाका लगभग आधा गांव, इसलिए कि आधे मुसलमान थे और आधे हिंदू थे वहाँ, लेकिन कभी उस इलाके में इस तरह की सांप्रदायिकता जिसे कहते हैं उसकी बू तक नहीं थी। तो एक लंबी रवायत रही है, और उस रवायत को इस आधा गांव के नाम से ये नावल अरसे बाद लिखा उन्होंने, बंटवारे के समय नहीं लिखा है, ये 1960 के आसपास लिखा है इन्होंने। आधा गांव एक ऐसी किताब है जो अकेले अपने किस्म का एक ही किताब है जहाँ तक मुझे मालूम है, और इसमें एक पूरी कायनात है। इस पूरी किताब में मुझे एक तस्वीर मिली थी एक दौर का, तो अफसोस की बात है कि राही साहब खुद गुजर गए, और हम उनसे, इसलिए मैं उनसे सवाल नहीं कर पाए, लेकिन उनकी बहनें और ख़ास तौर पे ने मुझे मदद की। उन्होंने कभी आधा गांव पढ़ी नहीं थी क्योंकि उनको उर्दू आती थी, उनको हिंदी नहीं आती, और किताब तो हिंदी में छापी थी, तो मैंने पढ़ के सुनाया
और उन्होंने मेरी तर्जुमे में मेरी मदद कर दी। क्योंकि आधा गांव भी देखिए पूरी तौर पर बायोग्राफिकल नहीं है, आधा गांव शुरू हुआ बिल्कुल ऑटोबायोग्राफी के स्टाइल में, लेकिन बाद में जब ये उपन्यास जब गंगौली में एक मरतब पहुँच गया, पहुँचने के बाद से फिर आप देखेंगे कि मैं और मेरे घर के जो लोग आए थे वो धीरे 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 गायब होते चले गए और फिर हम उपन्यास के पात्रों में आ गए और हमारी कहानी उनके बीच घूमती रही। फिर भी जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मुझे ये डर हमेशा रहता है कि अगर कोई कैरेक्टर ऐसा होगा जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ या जिसमें मेरा कोई हिस्सा ही नहीं है, वो क्या मालूम लिखते वक्त मेरे काबू में आए कि नहीं आए, क्या मालूम किसी और तरफ मुड़ना चाहे जाना चाहे तो मैं उसको कैसे पकड़ूंगा या कैसे रोकूंगा। तो मैं अपने हर पात्र में अपना एक अंश मिला देता तो उसकी वजह से मेरी उसकी जान पहचान गहरी रहती है और मुझको उसको समझने में आसानी होती है। 1857 पर उन्होंने एक बड़ी तवील नज़्म लिखी जो बहुत आला दर्जे की थी, ख़ास तौर से उसके पोर्शन मंगल पांडे और वगैरह वगैरह वो बहुत अच्छे पोर्शन थे और जब वो पढ़ते थे तो वाकई एक समा बनता था। देखिए 1857 पर किताबें तो बहुत लिखी गई हैं नसर में, गद्य में इतिहास लोगों ने लिखा है, उसका वर्णन किया है, लेकिन कोई इतनी बड़ी नज्म मेरी जानकारी में हिंदी में तो नहीं लिखी गई है, गालिबन उर्दू में भी इतनी लंबी नज्म नहीं लिखी गई है। और ये वही शख्स लिख सकता है जिसने आधा गांव लिखा था और देखा था, जो गंगा जमनी कल्चर अपनी ज़िंदगी में उतार चुका था, वही लिख सकता था। मेरा अपना जो लिखने का तरीका यह है वो यह है कि मैं कोई हवा में पात्र नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जादूगर नहीं हूँ। तो मैं मेरे जो चारों तरफ जो लोग जी रहे हैं, खुश हैं या रो रहे हैं या मर रहे हैं, उन लोगों में से थोड़ा 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 लेके कुछ इससे लिया कुछ उससे लिया, नाक आपके लिए आँख उनका लिया, बाल उनके लिए, आवाज़ इसके लिए, सोच इसके लिए, और उसके बाद हर पात्र में थोड़ा सा अंश मैं अपना भी मिलाता हूँ ताकि उस पात्र से मेरी जान पहचान रहे। और इसलिए पाठकों को ये धोखा होता है कि शायद ये बायोग्राफिकल सब नॉवेल्स हैं। उर्दू के सिलेबस में हिंदी साहित्य का एक 100 नंबर का पर्चा रखवाया, कोशिश थी कि हिंदी के सिलेबस में भी इसी तरह उर्दू का एक पर्चा हो। पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों की मां नैयर जहां से शादी करके यूनिवर्सिटी में एक ताकतवर लॉबी को दुश्मन बनाया, जिसके चलते नौकरी से हाथ धोना पड़ा। प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आर चंद्रा की सलाह पर फिल्म इंडस्ट्री में भाग्य आजमाने के लिए मुंबई प्रस्थान। बॉम्बे आए थे, उनकी मासूम की दोस्ती थी अशोक से, अशोक थे भारत भूषण जो थे उनके भतीजे, वो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अशोक पढ़ते थे, तो उनके वाले चंद्रा साहब जिन्होंने बहुत मशहूर फिल्में बनाई थी बरसात की रात और वो वाली जो थी, उन्होंने बुलाया था फिल्म लिखने के लिए मुशायरा, जिसमें भारत जी भारत भूषण काम कर रहे थे, लेकिन वो फिल्म बनी नहीं, शुरू ही नहीं हुई। उसके बाद फिर भारत जी ने यहाँ औरों से मुलाकात कराई। मैंने अलीगढ़ छोड़ दिया, अलीगढ़ ने मुझे नहीं छोड़ा, इसी मन स्थिति में मैंने एक नज्म लिखी थी, चांद तो अब भी निकलता होगा। बंबई में 5 साल तक भयानक संघर्ष किया, आखिरकार मेरी जद्दोजहद रंग लाई और इंडस्ट्री में मेरी मांग होने लगी। मैं इंडस्ट्री का सबसे व्यस्त और सबसे महंगा राइटर बन गया, फिल्में मेरे नाम से बिकने लगी। राइस साहब के पास मैं गया था, सुरेंद्र मोहन डायरेक्टर थे जो मेरी पिक्चर कर रहे थे हथकड़ी, उनसे पहले उनकी उन्होंने लिखी थी हत्यारा। हत्यारा वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग्स जो है, मुझे लगता है ऐसे डायलॉग जो है एक एक्शन फिल्म में जो सोशल मैसेज भी था, एक पारिवारिक फिल्म भी थी, एक्शन के होते हुए डेकोरेट बैकग्राउंड की फिल्म थी, लेकिन उसके अंदर जो डायलॉग जो थे हर डायलॉग पे एक क्लैपिंग पड़ती थी, चाहे मुँह से निकला और वो क्लैप के हकदार हो जाते थे लाइन्स जो है उनकी।
अगर अपने बाप के लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी इज्जत है, प्यार है, तो अपने इस गलत रास्ते से हट जाओ, अपना रास्ता बदल दो बेटे। फिल्में जरूर मेरे नाम से बिकने लगी। मामा जी, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत थी, 15% नहीं सिर्फ 12% पास हुए। ये क्यों नहीं कहते कि बड़े घर की बहू बनने का शौक चढ़ा रहा है? इसमें शौक चढ़ाने की क्या बात है, बड़े घर की बहू तो हूं ही। अब मैं यही रहूंगा मगर आपसे कभी बात नहीं करूंगा। आप मेरी आवाज सुनने के लिए तरसते रहेंगे, आप चाहेंगे कि मैं बोलूं मगर मैं नहीं बोलूंगा। सोच रही हूं जाके अजय को देखा। अभी पिछले हफ्ते तो गई थी। कल रात मैंने सपना देखा, वो रो रहा था कि मेरी जिंदगी का अजीम तरीन शाहकार तो टीवी सीरियल महाभारत ही है। प्रिय भाई, यदि मैं स्वयं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें राज सिंहासन तक ले जाऊं और तुम्हें वह स्थान ग्रहण करने का आदेश दूं, तब और आज भी अगर आप उनकी उस वक्त की लिखी हुई सीन और स्क्रिप्ट देखें, बाकायदा लिखा होता था राही मासूम रजा की मेज से, कलम से, विच वॉज वेरी, ही वॉज वेरी ऑर्गेनाइज। शकुनी, सबकी आहट पहचान लेते हो तो फिर हस्तिनापुर नरेश ने अपने भविष्य की चाप भी अवश्य पहचान ली होगी। मेरा भविष्य तो दिन रात मेरे साथ ही रहता है शकुनी। डॉक्टर राही मासूम रजा, ये नाम ऐसा है जो कभी हमसे जुदा नहीं हो पाएगा, दिल के बहुत करीब। कमाल के राइटर, फनकार और खुद कैरेक्टर के अंदर घुस के लिखने वाले एक कमाल की शख्सियत के मालिक डॉक्टर राही मासूम रजा। वेद व्यास ने जो जय काव्य लिखा था वो 9000 श्लोकों का, इस वक्त जो महाभारत हमारे पास है वो 1,00,000 श्लोकों की है। उसको जब हम दर्शाते हैं तो उसकी पटकथा लिखनी पड़ती है, जब पटकथा लिखनी पड़ती है तो उसकी डिमांड दूसरी हो जाती है। महाभारत में बहुत से यानी ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं बहुत पहले आ गई हैं, जो पढ़ते वक्त पता नहीं चलता है। जैसे मिसाल के तौर पर दुर्योधन और अर्जुन गए श्री कृष्ण के पास मदद मांगने। महाभारत में एक्चुअली जहाँ पर ये दोनों गए हैं तब तक तो लड़ाई भी तय नहीं हुई है, तो काहे की मदद मांगने गए? तो बताओ पार्थ, नारायणी सेना लोगे या मुझे? मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया था वासुदेव, मैं तो आपसे सहायता मांगने आया था। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो मैंने इस घटना को जहाँ पे है वहां से उठा के आगे सरकाया। डॉक्टर साहब आप अच्छा लिखते हैं, और वो मुझसे कहते थे तुम हमारे अच्छा करते हो, नहीं आप अच्छा लिखते हैं, और बोलते आप अच्छा करते हो, 30% नहीं मिलता हमें, तुमने हमें अधिक दिया है। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि डायलॉग लिखने वाले राइटर और एक्टर में क्या संबंध होता है। इस स्वयंवर में मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज विचित्र वीरी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। काशी राजकुमारियां शताब्दियों से कुरु वंशियों में विवाह के लिए जाती रही हैं, आज भी यही होगा। राही साहब जो हैं सुबह 5 बजे उठ के जो है संवाद लिखा करते थे, तो एक दिन वो दोपहर में घर में सोए हुए थे और अलार्म जो है उनकी पत्नी से गलत समय का लग गया, तो रात को जब 2:30 बजे जो है वो अलार्म बजा तो राही साहब एकदम नींद से उठे और बहुत गुस्साए और पूछा कि ये गलत अलार्म किसने लगाया। तो पत्नी में उनकी जो धर्म पत्नी थी उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हुई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ये समय ने मेरा आज नींद ख़राब कर दी। तो उस रात जब वो सो नहीं पाए तो राही साहब का कहना है कि मैं कागज़ और पेन लेकर बैठ गया कि समय बड़ा बलवान है, समय मेरी नींद ख़राब कर सकता है, तो क्यों नहीं समय कहानी सुना सकता है
और उन्होंने उस रात पहली बार लिखा था, मैं समय हूं और आज मैं आपको हस्तिनापुर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की, ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। लेकिन जहां तक उनका अपना संवादों के साथ रिश्ता था, वो उसमें बहुत ही पजेसिव थे उसके विषय में, कि उनके संवादों के साथ छेड़खाड़ना। सभ्यता की रक्षा करना भी क्षत्रिय धर्म है अति प्रिय अनुज, और जिस दिन क्षत्रिय अपने इस धर्म का पालन त्याग देंगे उस दिन धूप का रंग काला पड़ जाएगा। उन्होंने जो काम किया है, नावल लिखा है, बड़ा लिखा है, फिल्मों के लिए लिखा है, वो कमाल लिखा है, लेकिन महाभारत के डायलॉग जो लिखने हैं वो तो मैं समझता हूँ बेमिसाल है। एक सेकंड में तो मैं तेरा रोल कर रहा होता हूँ, शकुनी होता हूँ, दूसरे सेकंड में कृष्ण भगवान बना होता हूँ, तीसरे सेकंड द्रौपदी होता हूँ, चौथे सेकंड मैं मायूस धृतराष्ट्र होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं वीक तो नहीं पड़ जाऊंगा, कहीं मतलब सरदारा कहीं ये मेरी जान ना लेके जाए महाभारत। 5 साल वो महाभारत बना, उसमें उनकी उम्र 15 साल हो गई थी, बहुत यंग चेहरा था, लेकिन एंड में आके ऐसा लगा, अगर आप आध्यात्मिक बात करें, इतनी सारी फिल्में लिखी उन्होंने, इतनी सारी फिल्में लिखी, अवार्ड मिले, ये था वो था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने उन्हें महाभारत के लिए भेजा था, महाभारत खत्म हुआ, भाई साहब भी चले गए। राही ने अपने एक उपन्यास के समर्पण में लिखा था कि मैं 3 माओ का बेटा हूँ, नफीसा बेगम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और गंगा। ये सीन 75 अपनी 3 माओ को भेंट करता हूँ। मुझे ले जाके गाजीपुर में गंगा की गोदी में सुला देना, वो मेरी माँ है, वो मेरे बदन का जहर पी लेगी, मगर शायद वतन से दूर इतनी दूर मौत आए जहां से मुझको गाजीपुर ले जाना नामुमकिन हो, तो फिर मुझको अगर उस शहर में छोटी सी एक नदी बहती हो तो मुझे उसकी गोदी में सुलाकर उससे कह देना कि ये गंगा का बेटा आज से तेरे हवाले है। राही मासूम रजा शायद अकेले ऐसे रचनाकार थे जो एक तरफ फिल्मी दुनिया के व्यस्ततम लेखक रहे तो दूसरी तरफ अपना साहित्यिक लेखन भी बदस्तूर करते रहे। बंबई जाने से पहले उनका सिर्फ एक उपन्यास आधा गांव प्रकाशित हुआ था। बंबई जाने के बाद उन्होंने 8 और उपन्यास लिखने के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक विषयों पर सैकड़ों लेख लिखे, जिन्हें उनके निधन के बाद उनके मित्र डॉ. केपी सिंह ने संकलित संपादित करके 3 जिल्दों में प्रकाशित कराया। राही तो अजय पोइट भी बहुत अच्छे थे, गद्यकार भी बहुत अच्छे थे, उपन्यासकार भी बहुत बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। राही हिंदी और उर्दू दोनों को समान रूप से देखते थे। तासुवन में जो कट्टरपंथी लोगों में होता है वो तासुवन बिल्कुल जरा सा भी नहीं था। अमीरी और गरीबी जो होती है वो हो सकता है पैसे से तोली जाए, लेकिन दिल का जो बड़ापन होता है उसमें वो बहुत अमीर थे।